विजय, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं MBA करूंगी, उसके बाद जॉब। खुशी, फिर शुरू हो गई ना तुम। कम से कम काम पे जाते वक्त तो दिमाग मत खराब करो। रोज रोज इस टॉपिक पे बहस करना जरूरी है क्या? बहस नहीं कर रही हूँ, जो कहा है वही करूँगी। तुम्हारा टिफिन किचन में रखा है, ले लेना। मुझे भी नहा के इंस्टीट्यूट जाना है, आज फीस भरनी है मुझे। मैंने इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाली थी, नेक्स्ट मंथ से कोर्स स्टार्ट है। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? हाँ, हम 1000 बार इस बात पे बहस कर चुके हैं ना, और मैंने तुम्हें हर बार कहा है और आज फिर से कह रहा हूँ, तुम कोई कोर्स कोई जॉब नहीं करोगी। विजय, तुम्हें जैसी जिंदगी पसंद हो ना, सिर्फ वैसी जिंदगी नहीं जी सकती मैं। और अगर तुम्हें मेरा डिसीजन मंजूर नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ रहना मंजूर नहीं है। इतनी प्रॉब्लम है ना तुम्हें मुझसे, तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? मैंने तो सोच लिया, मैं इस तरह घुट घुट के नहीं जी सकती। तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। डिसीजन मंजूर नहीं है, मेरा डिसीजन तुम्हारे साथ रहना मंजूर नहीं, तुम्हारे साथ रहना मंजूर। मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? मेरा डिसीजन मंजूर। मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? विजय, इतना सारा क्रू? हर्ष भाई घर पर है, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। पर हुआ क्या? कुछ बाथरूम में गिर गई। ये क्या हुआ? हर्ष भाई, कुछ बाथरूम में गिर गई है, बहुत खून बह रहा है, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, हॉस्पिटल लेके जाओ। चल 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 चल। खुशी, खुशी, मैंने चेक किया, सांसें चल रही है इसकी। हर्ष भाई प्लीज इसको अभी अस्पताल ले चलते हैं। कब हो ये विजय बेटा? आधे घंटे पहले पापा जी पीपी हॉस्पिटल आए हैं। हम अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ? खुशी बाथरूम में गिर गई। ये कैसे हो गया? डॉक्टर क्या कहते हैं? खुशी ठीक तो है ना? अभी वो ऑपरेशन थिएटर में। अब मम्मी को लेकर जल्दी आ जाइए प्लीज। नीता, विजय का फोन आया, वो हॉस्पिटल में है। क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं हुआ, खुशी फिसल कर बाथरूम में गिर गई है, उसे बहुत चोट आई है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। क्या? विजय परेशान मत हो, खुशी ठीक हो जाएगी। हम ठीक हो जाएगी। अगर खुशी ठीक हो गई तो मेरे लिए कुछ ठीक नहीं रहेगा। वो सबको बताएगी कि क्या हुआ, बर्बाद कर देगी मेरी जिंदगी। अच्छा यही होगा कि कुछ हो जाए, मर जाए वो। लेकिन अगर खुशी बच गई तो माफी मांग लूंगा, रो के खिड़खिड़ा के मना लूंगा कि किसी को कुछ ना बताए। पर क्या वो मानेगी? विजय ने तैश में आकर अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया था और अब वो खुद को बचाना चाहता था, और अपने आप को बचाने के लिए वो मन ही मन ये प्रार्थना भी करने लगा कि उसकी पत्नी जिंदा ना बचे, ताकि उसका जुर्म कभी दुनिया के सामने ना आए। I'm sorry, हम उससे बचा नहीं पाए। एक्सीडेंटल डेथ में एज पर रूल्स। बाढ़ में गए आपके रूल्स। बाथरूम में फिसलने से इतना गहरा घाव कैसे हो सकता है? आपको लगता है ये एक्सीडेंट का केस नहीं? तुम क्यों नहीं कंट्रोल करते हो अपने ईगो पे, अपने डर पे, अपने झूठे अहंकार पे? बेटी कैसी? खुशी ठीक तो है ना? I'm sorry, हम उसे बचा नहीं पाए। विजय, 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 विजय बेटा। थैंक गॉड, बच गया। अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मिस्टर विजय, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पुलिस क्या? ये सिर्फ एक रूटीन प्रोसीजर है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप प्लीज मेरी वाइफ की बॉडी मुझे सौंप दीजिए। मिस्टर विजय, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी पत्नी की डेथ नेचुरल नहीं थी और एक्सीडेंटल डेथ में एज पर रूल्स। हर बार में गए आपके रूल्स। मैं अपनी बीवी को अपने घर लेके जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप या पुलिस या कोई और मेरी पत्नी को छुए, समझे आप। मैं खुशी को बस घर लेके जाना चाहता हूँ, उसके अपने घर। आप प्लीज इन्हें समझाइए। जब तक पुलिस एडीआर यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर नहीं करती, हम विक्टिम की बॉडी फैमिली को नहीं सौंप सकते। अरे आप कौन होते मुझे रोकने वाले? मैंने खोई अपनी खुशी, पति हूं मैं उसका। मेरा पूरा हक बनता है उसकी लाश पर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं बेटा। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। खुशी नहाने का पानी गर्म करने बाथरूम में गई और फिर अचानक मैंने उसकी चीख सुनी। मैं अंदर भागा तो देखा खुशी जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ। बहुत खून बह चुका था उसका। मैं तुरंत अपने नेबर्स के पास मदद मांगने गया। आपका नाम? जी, हर सिंह, और ये मेरी वाइफ प्रिया सिंह। फिर हम खुशी को मेरी गाड़ी में यहाँ ले आए। यहाँ आकर मैंने खुशी के पेरेंट्स को फोन किया और फिर अपने पेरेंट्स को। आपका नाम? जितेंद्र तिवारी। ये मेरी पत्नी शांति। आपका नाम? मेरा नाम राजेश गुप्ता और ये मेरी पत्नी नीता गुप्ता। एकदम नाम जैसे नेचर था उसका। हमेशा खुश रहती थी। सुबह भी मुझसे पूछ रही थी कि रात को डिनर में क्या बना। शायद बात करते करते उसका ध्यान नहीं रहा होगा और वो फिसल गई। सर, फोटोग्राफ तो ले लिए हैं। पोस्टमार्टम? डॉक्टर भारद्वाज से पूछना कि पोस्टमार्टम की ज़रूरत है या नहीं। कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं, जिसके बाद हम एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर करेंगे, फिर मृतक की बॉडी हम आपको सौंप देंगे। क्या मैं अपनी पत्नी को देख सकता हूँ? ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। इंस्पेक्टर, खुशी गुप्ता का डिटेल्ड पोस्टमार्टम होना चाहिए। कोई खास वजह? कुछ चीज़ है, जैसे सर पर जो घाव है वो काफ़ी गहरा है। बाथरूम में फिसलने से इतना गहरा घाव कैसे हो सकता है? डॉक्टर, आपको लगता है ये एक्सीडेंट का केस नहीं है? मेरे हिसाब से केस तो एक्सीडेंट का ही है, लेकिन बेहतर यही होगा कि एडीआर फाइल करने से पहले इन सभी पहलुओं की जांच हो जाए। आप पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटीज शुरू करवाइए। पर पोस्टमार्टम क्यों? मैं आपको खुशी की बॉडी की चीरफाड़ नहीं करने दूंगा। मैं आपको पोस्टमार्टम नहीं करने दूंगा। देखिए, रिपोर्ट फाइल करने के लिए ये जरूरी है। अरे इतनी गहरी चोट लगी उसको, ये क्या काम है? नहीं, मैं अपनी खुशी को और तकलीफ नहीं दे सकता। मैं आपको पोस्टमार्टम की परमिशन नहीं दूंगा। प्लीज समझाइए ना, बात परमिशन की नहीं है। एडीआर फाइल करने के लिए ये करना जरूरी है। सब इंस्पेक्टर दिलीप इनके घर जाएंगे और एक्सीडेंटल स्पॉट की जांच करेंगे। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए प्लीज। मैंने आपको कहा ना, मैं आपको पोस्टमार्टम नहीं करने दूंगा। मिस्टर विजय, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, बट प्लीज आप भी समझने की कोशिश कीजिए। हमें अपनी ड्यूटी करनी है। प्लीज़ घर की चाबी दीजिए ताकि सब इंस्पेक्टर दिलीप आपके ससुर या फादर के साथ आपके फ्लैट पर जाके एक्सीडेंटल स्पॉट की जांच कर सकें। I'm sorry, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। It's okay. मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है। चाबी प्लीज। आप पोस्टमार्टम कराइए, मैं इनके साथ घर जाता हूँ। थैंक यू। और जल्दी विजय, और जल्दी, पुलिस से पहले पहुंचना है तुझे। उनके हाथ वो बैठ नहीं आना चाहिए। बढ़ते चलो। साहब, मेम साहब ठीक तो है ना? ये विजय गुप्ता का फ्लैट नंबर कौन सा है? 20 माला साहब, फ्लैट नंबर 301। वो तो अभी भी सीढ़ियों से ऊपर गया है। विजय, मिस्टर विजय, सर मैं यहां खड़ा था और खुशी यहाँ पर थी। मैं तो टाई बांध रहा था और कुछ ही बाथरूम में पानी भर रही थी कि अचानक मैंने उसकी चीख सुनी। मैं फटाफट अंदर गया तो देखा कुछ ही खून में पड़ी थी। संभल के, खून पे पैर ना पड़े। मुझे मेरी वाइफ की बॉडी कब तक मिल जाएगी? कल सुबह तक जरूर मिल जाएगी। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। राजेश जी, एक अर्जेंट काम है, मुझे शांति को लेकर अभी जाना होगा। कहाँ जाना होगा आप लोगों को? है कुछ ज़रूरी काम राजेश जी, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। चलो शांति। पोस्टमार्टम में अभी वक्त लगेगा, जब बॉडी हैंडओवर करनी होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी। इंस्पेक्टर आहूजा ने हमें पुलिस स्टेशन में बुलाया है। क्यों? कुछ सवाल करना चाहते हैं हमसे। कह रहे थे इस बारे में किसी से कुछ बताइएगा मत। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। नर्स ने कहा कि पोस्टमार्टम में वक्त लगेगा। और खुशी के मम्मी पापा कह रहे थे कुछ ज़रूरी काम है और फिर चले गए। कुछ बताया उन्होंने कहाँ जा रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे भी अजीब लगा, एक फ़ोन आया और वो तुरंत चले गए। माफ़ी चाहता हूँ ऐसे वक्त पर आप लोगों को यहाँ बुलाना पड़ा, लेकिन कुछ ज़रूरी बात करनी थी। किस बारे में सर? क्या आपकी बेटी खुशी और दामाद विजय के बीच में सब कुछ ठीक था? जी बिल्कुल। शादी को कितना वक्त हुआ? 3 साल। क्या शादी के वक्त दहेज की कोई डिमांड थी? जी नहीं सर। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जितेंद्र जी, आपकी बेटी खुशी की मौत एक एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन मौत एक ऐसी लड़की की हुई है जिसकी शादी को अभी 7 साल से भी कम वक्त हुआ, इसलिए हमें इस तरह के सवाल पूछने पड़ते हैं, ये जानने के लिए कि मौत के पीछे कहीं कोई और वजह तो नहीं थी। इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या आपकी बेटी खुशी को आपके दामाद विजय से कोई तकलीफ थी? नहीं सर, हमारा दामाद विजय तो बहुत अच्छा लड़का है, दोनों की लव मैरिज थी, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि विजय ने खुशी को मारा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विजय ऐसा कभी नहीं करेगा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हम विजय को तब से जानते हैं सर जब वो 14 साल का था। खुशी और विजय एक ही स्कूल में थे, एक ही क्लास में, तब से दोनों की दोस्ती थी। स्कूल के बाद दोनों ने कॉलेज भी एक ही सिलेक्ट किया। हम दोनों उनकी दोस्ती के बारे में जानते थे, कभी कभी दोनों में अनबन हो जाती थी तो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते थे, लेकिन हमने कभी खुशी से इस बारे में कुछ नहीं पूछा। वो बहुत समझदार थी सर, अपना भला बुरा खुद समझती थी, रिश्ता निभाना आता था उसे। आ गई बेटा? आ गई खुशी? आजा बेटा, साथ में डिनर करते हैं। नहीं पापा, बिल्कुल भूख नहीं है। लेकिन बेटा। पापा बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। अरे बेटा, लगता है तुम्हारी बेटी का मूड खराब हो गया है। लगता है झगड़ा हुआ है विजय के साथ। कल चाय देने गई थी ना, तब मैंने सुना फोन पर बात करते हुए, रो रही थी। अरे तो बात करो ना उससे। वो बात करे तब ना। तुम्हें उस कुणाल के साथ टाइम स्पेंड करना है तो करो, मुझे क्या, मैं आइंदा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैंने कब कहा तुम मुझे परेशान करते हो? कहानी है, पर जब भी तुम्हें फ़ोन करता हूँ ना, तुम या तो उसके साथ मूवी देख रही होती हो या घूम रही होती हो। अब इसका मतलब क्या समझूँ मैं? पर इसमें समझना क्या, दोस्त है वो मेरा। अच्छा, वो दोस्त है और मैं? तुम दो हो मेरी, 7th स्टैंडर्ड से मेरे पीछे पड़े हुए, पता नहीं कब पीछा छूटे। खुशी, मैं जानता हूँ तुम सब जानबूझ के कर रही हो ना। 12 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, स्कूल के टाइम से मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी ये बात जानती हो। विजय, मैं कैसे जानूंगी? कभी बताया तुमने मुझे? तुम खुद नहीं समझ सकती थी? कम से कम एक बार बोलना तो चाहिए। तुम भी तो बता सकती थी। मैं क्यों बोलूं? पहले तुम्हें बोलना चाहिए था। अब इसमें भी ईगो है ना? ये ईगो नहीं है, ये अनरिटन रूल है कि एक लड़का हमेशा एक लड़की को पहले प्रपोज करता है। भाड़ में गए तुम्हारे रूल्स खुशी। अब सीधी बात करो, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? पहले तुम बताओ। मैं तो हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ, बस जब भी तुम्हें उस कुणाल के साथ देखता हूँ बहुत इनसिक्योर फील करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ खुशी। लो, मैंने कह दिया, अब तुम्हारी बारी। स्टूपिड हो तुम। ऑफ कोर्स आई लव यू। तो चलो शादी कर लेते हैं। मैं आज ही मम्मी पापा से, इनफैक्ट अभी बात कर लेता हूँ। रिलैक्स विजय, अभी 1 मिनट पहले तो तुमने मुझे प्रपोज किया और अब सीधा शादी। वैसे भी मेरी लिस्ट में शादी काफ़ी बाद में है। आई मीन, मुझे अभी MBA करना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, मुझे कॉलेज अभी तो खत्म हुआ है और जिंदगी अभी स्टार्ट हुई। लेकिन मेरी जिंदगी तो तब शुरू होगी ना जब हमारी शादी होगी। मैं तो तुमसे आज ही, इनफैक्ट अभी शादी कर सकता हूँ। और ये MBA, ये जॉब, ये सब तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो ना। मगर है पानी में। अभी तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें मेरी बीवी बनना भी है या नहीं, या मैं किसी और से शादी कर लूँ। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें भी इनसिक्योर फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सोच लो, बाकी लाइन में तो बहुत है। और अगले ही साल दोनों ने शादी कर ली सर। हम दोनों, विजय के पेरेंट्स सब बहुत खुश थे इस रिश्ते से। विजय के लिए खुशी से बढ़कर कुछ था ही नहीं सर। मुझे तो विजय की चिंता हो रही, खुशी की कमी सबसे ज्यादा उसे करेगी सर। वो खुशी को चोट पहुंचा ही नहीं सकता था सर। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। विजय खुशी की हत्या को एक्सीडेंट बताकर अपने अपराध को छुपाने की कोशिश में लगा था, और खुशी के माँ बाप ने जिस विश्वास के साथ पुलिस के सामने विजय की तरफदारी की थी, उसने विजय को शक के दायरे से और दूर कर दिया। लेकिन क्या विजय का जुर्म कभी सामने नहीं आने वाला था? क्या ये एक परफेक्ट क्राइम था, या फिर हर मुजरिम की तरह यह विजय की एक नाकाम कोशिश थी अपने जुर्म को छिपाने की? विजय बेटा चाय पी ले। बेटा अब पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है, तो क्या ये बाथरूम और बेडरूम को साफ कर सकते हैं? कुछ बताया था उन्होंने? नहीं पापा, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। मेरे ख्याल से हमें साफ सफाई शुरू कर देनी चाहिए। कब तक ऐसे हालत में रहेंगे हम? ठीक है, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं माँ, आप लोग बैठिए, मैं साफ कर देता हूँ। नहीं बेटा, तू वैसे ही बहुत थका हुआ है, मैं ही साफ कर दूंगी। मैंने कहा ना मैं साफ कर दूंगा। मतलब आप लोग बैठिए, मैं साफ करके आता हूँ। विजय के लिए बहुत मुश्किल होगा खुशी को भूल पाना। एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। बाथरूम के फ्लोर पर बहुत खून था सर। बेडरूम में भी खून के धब्बे थे, जो शायद खुशी को हॉस्पिटल ले जाते वक्त हुए होंगे। नल पर भी खून के निशान हैं। शायद खुशी का पैर फिसला होगा और उसका सर नल से टकराया होगा। हो सकता है सर। खुशी के पेरेंट्स का कहना है कि खुशी और विजय एक दूसरे को बचपन से जानते थे, पसंद करते थे, एक साथ स्कूल गए, कॉलेज गए, और 3 साल पहले इनकी शादी हुई थी। खुशी के पेरेंट्स के हिसाब से इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो थी सर। अब इस बात को या तो खुशी के पेरेंट्स जानते नहीं होंगे या फिर हमें बताना नहीं चाहते। तुम्हें कुछ पता चला? जी हाँ सर, मैं जब विजय के घर से वापस लौट रहा था तो मैंने उसके पड़ोसी हर्ष और प्रिया से बात की। विजय के साथ हॉस्पिटल में आप ही आए थे ना? जी, हम लोग वापस चले आए, कपड़े पर चेंज करने थे। विजय का बर्ताव देखकर मुझे अजीब लगा सर, इसलिए मैंने सोचा कि उसके और खुशी के रिश्ते के बारे में मुझे पता करना चाहिए। ऐसा क्या था विजय के बर्ताव में? मैं जब हॉस्पिटल से विजय के पीछे उसके घर जा रहा था तो वो पूरे रास्ते कुछ जरूरत से ज्यादा तेज गाड़ी भगा रहा था सर। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे पहले घर पहुंचना चाहता हो। वो इतनी जल्दबाजी में था सर कि लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से ऊपर गया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसकी इतनी जल्दबाजी के बाद जब मैंने उसे देखा तो वो कमरे में चुपचाप सर झुकाए हुए बैठा हुआ था। तब मुझे थोड़ा अजीब लगा। पोस्टमार्टम का नाम सुनकर भी बौखला गया था। मैं आपको खुशी की बॉडी की चीर फाड़ नहीं करने दूंगा। मुझे लगता है कि इतनी जल्दबाजी के पीछे जरूर उसका कोई मकसद था। विजय को हमारे साथ घर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे साथ उसके फादर या उसके ससुर जा सकते थे, लेकिन नहीं, वो खुद गया और हमसे पहले घर पहुंच गया। बस यही बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही थी सर, इसलिए मैंने हर्ष और प्रिया से बात की। क्या बताया उन्होंने? सर बताने जैसा कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से तो दोनों परफेक्ट कपल थे। क्या वाकई में ऐसा था? हाँ। प्रिया जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विजय और खुशी के बीच सब कुछ ठीक था? नहीं सर, कुछ तो गलत हो रहा था। वजह तो नहीं पता दोनों के बीच झगड़े होने की, लेकिन झगड़े होते थे, अक्सर होते थे। तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? हाँ, मैं जो कहूंगा वो ही करोगी तुम। तुम मुझे नहीं रोक सकते। चुप हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अक्सर उनके घर से चिल्लाने की, बर्तन गिरने की आवाजें आती थी। मैं पता तो नहीं कर पाई कि झगड़े की वजह क्या थी। खुशी ने भी कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन सर मैंने नोटिस किया था खुशी काफी उदास रहती थी। हाय खुशी। हाय प्रिया। कैसी हो? ठीक हो? वो लेट हो रही हो, निकलती हूँ। उस दिन तो मैंने उसके चेहरे पर चोट का निशान भी देखा था। अब सर प्रिया कह रही हो तो जरूर होते होंगे दोनों में झगड़े, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? मैं जानता हूँ सर, विजय बहुत अच्छा लड़का है। उसने काफी कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया। एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में एचआर की पोस्ट पर है। वो ऐसा करेगा नहीं मान सकता सर मैं। खुशी और विजय के बीच में अक्सर झगड़े होते थे और ये झगड़े मारपीट तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी खुशी ने यह बात कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। अजीब है ना। हेलो जितेंद्र जी, मैं पीआई संदीप आहूजा बोल रहा हूँ। सॉरी आपको फिर से डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी सर, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या कभी खुशी ने आपको कुछ बताया था उसके और विजय के बीच में कभी कोई झगड़ा हुआ? नहीं तो मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया, क्यों बार बार आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं? विजय बेचारा वैसे ही बहुत दुखी है। देखिए सर, आप विजय पर शक करना छोड़ दीजिए। जी नहीं, खुशी ने हमसे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। कौन था जितेंद्र जी? विजय बेटा, क्या तुम्हारे और खुशी के बीच में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा था? नहीं पापा जी, बल्कि हम दोनों तो बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। किसी ने ऐसा कहा आपसे? किसी ने नहीं बेटा, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं जानता हूं तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कौन पुलिस को बता रहा है? जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को कुछ क्लूज मिले थे जो इशारा कर रहे थे कि खुशी की मौत शायद एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह केस जितना सिंपल नजर आ रहा है उतना है नहीं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस जानकारी नहीं लगी थी। दूसरी तरफ विजय को उम्मीद थी कि उसने जो खुशी की मौत को एक्सीडेंट साबित करने की चाल चली थी वो कामयाब होगी और पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स और एक्सीडेंट स्पॉट्स के जो फोटोज आपने लिए हैं वो मैंने देखे। शक की कोई गुंजाइश तो है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी का पैर फिसला और सर नल से जाकर टकरा है और चोट लगी, लेकिन ऐसा एक बार हो सकता है। बार बार कैसे पैर फिसल सकता है? बार बार, इस केस में तो 3 बार। इतनी गहरी चोट एक बार पैर फिसल के गिरने से लगना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर? पूरे चांसेस है। देखिए, घाव काफ़ी गहरे हैं और नज़दीक के हिस्सों में तो 2-3 जगह पर है। मेरे अंदाजे से सिर किसी चीज़ पर नहीं टकराया, तो कोई चीज़ सर पर 2-3 बार टकराई है। I mean, विक्टिम कहीं गिरी नहीं होगी, उसके ऊपर वार हुआ होगा। थैंक यू बेटा, अच्छा होता अगर तुम आज की रात हमारे साथ रहते। तुम घाव तो यही रुक जाते। नहीं पापा, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज जाइए। ठीक है बेटा। बेटा अपना ख्याल रखना, हम कल सुबह आएंगे। क्या बात है सर? खुशी की बॉडी कब मिलेगी हमें? कल सुबह। लेकिन हमें वो हथियार कब मिलेगा जिससे तुमने खुशी को मारा? क्या बकवास कर रहे हैं सर आप लोग? क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि खुशी की मौत महज एक्सीडेंट से नहीं हुई है। मिस्टर विजय, डिक्की खोलिए। क्या छिपा रहे थे आप इसमें? हमने आपको डिक्की बंद करते हुए देखा है। कुछ नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छुपाया डिक्की में। वो हम देख लेंगे, तो डिक्की खोल। आप गलत समझ रहे हैं सर। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं आपको सब समझा सकता हूं सर। यहाँ साइन कीजिए। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मेरी कोई गलती नहीं सर। मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर। मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। प्लीज सर। थैंक यू। शायद विजय इसलिए जल्दी घर आया होगा ताकि घर पहुंचकर वो खून से सना हुआ बेड छुपा सके और हमारा ध्यान बेड पर ना जाए, इसलिए उसने जल्दी से कबर्ड के सारे प्रेस किए कपड़ों से बिन को भर दिया। एक काम करो, ये बिन और कपड़े सबूत के तौर पे कस्टडी में लो। राइट सर। सर सर वो एक एक्सीडेंट ही था। मैंने खुशी को नहीं मारा है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तो समझाओ हमें क्या हुआ था। बचपन की दोस्ती, जवानी का प्यार, 3 साल की शादी, पल भर में फरार। मैं तंग आ गया था खुशी से। रोज वो एक ही जिद पकड़कर बैठी रहती थी, एमबीए करने की, जॉब करने की। कितनी बार समझाया उसको, मगर वो मानती ही नहीं थी। खुशी पढ़ना चाहती थी, MBA करना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी, सिर्फ इसलिए तुमने उसे मार डाला? सर मैंने कहा ना, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मुझे बस गुस्सा आ गया था उसकी जिद सुनकर। वो मुझे छोड़ने को तैयार थी, पर अपनी जिद नहीं। मुझे धमकी दे रही थी वो डिवोर्स देने की। अगर तुम्हें मेरा डिसीजन मंजूर नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ रहना मंजूर नहीं है। इतनी प्रॉब्लम है ना तुम्हें मुझसे, तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? रोज रोज एक ही बात की रट लगाकर बैठी रहती थी। पढ़ाई करनी, जॉब करनी। उसे लगता था कि वो जॉब करके मुझसे आगे निकल जाएगी। अहंकार आ गया था उसमें। विजय तुम ही ने तो कहा था कि मैं शादी के बाद MBA कर सकती हूँ, जॉब कर सकती हूँ। हाँ बाबा मैंने कहा था, पर जरा ये तो सोचो, तुम जॉब करोगे तो घर कौन संभालेगा? और तुम्हें जॉब करने की जरूरत क्या है? मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ ना। विजय बात सिर्फ कमाने की नहीं है, बात मेरे पहचान की है, मेरे सूट ठंडा हो गया है, इसे जरा गर्म कर लाओगी क्या? एक ही बात को लेकर बैठ जाती हो। अरे आज सेलिब्रेशन का मौका है, प्रमोशन मिली है मुझे, क्यों मूड स्पॉइल कर रही हो यार? जिस तरह तुम्हें अपने अचीवमेंट पे प्राउड फील हो रहा है ना, उस तरह मुझे भी हक है अपने लाइफ में कुछ अचीव करने का। ये मेरा तेरा क्या लगा रखा है तुमने खुशी? मेरी अचीवमेंट तुम्हारी नहीं है क्या? क्यों इतनी सेल्फिश हो रही हो? सेल्फिश मैं हो रही हूँ या तुम? तुम्हें यही डर है ना कि मैं लाइफ में तुमसे आगे बढ़ जाऊंगी? तुम्हारा मेल ईगो रोक रहा है ना मुझे। विजय तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हूँ। मैं हमारे घर और हमारी लाइफ को लेकर सीरियस हूँ। तुम्हारा करियर हमारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। मैं नहीं करूंगी। मेरी मर्जी क्या कोई मायने नहीं रखती? नहीं रखती है। ये मेरा घर है और तुम मेरी बीवी हो। जो मैं कहूंगा तुम वही करोगी, और जिस चीज के लिए मैं तुम्हें मना करूंगा ना, तुम बिल्कुल नहीं करोगी। सारा दिन घर पे रह के पागल हो रही हूँ, सांस भी नहीं ली जाती मुझसे। तो योगा करो, मेडिटेशन करो, अपने दिमाग पर ना थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। तुम क्यों नहीं कंट्रोल करते हो? अपने ईगो पे, अपने डर पे, अपने झूठे अहंकार पे जो मुझे रोक रहा है। विजय! विजय क्या कर रहा? हर रोज यही होता था। वो समझती नहीं थी। आज सुबह भी उसने मुझे धमकी दी डिवोर्स देने की। बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। कुछ एक ही झटके में हो गया। समझ ही नहीं आया मुझे। माना नहीं चाहता था मैं उसे, लेकिन मार डाला। क्यों? क्योंकि तुम चिढ़ गए थे, तुम गुस्से में थे, इतने गुस्से में कि तुमने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा, इतनी बेरहमी से कि उसकी जान चली गई। अरे जान तो वो खा रही थी सर, मेरी चोट पहुंचा रही थी मुझे लगातार, बार बार एक ही बात कहकर। वो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी, उससे तुम्हारी ईगो, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंच रही थी। क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी ईगो मायने रखती है। खुशी की मर्जी या उसकी खुशियां कोई मायने नहीं रखती थी। चोट तुम पहुंचा रहे थे, टॉर्चर तुम कर रहे थे उसे, बार बार लगातार। दो इंसान पहले एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत कि एक दूसरे की जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर वही इंसान दूसरे इंसान को घुटते हुए, तड़पते हुए कैसे देख सकता है? उसे बांध कर रखने में क्या खुशी महसूस होती है? अगर तुम और खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थे तो बातचीत करके अलग हो सकते थे। खुशी की जान लेकर क्या हासिल हो? अपनी जिंदगी बर्बाद करके क्या हासिल हो? खुशी ने हम लोगों से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, एक बार भी नहीं, कि उन दोनों के बीच में इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत पैदा हो चुकी। हमें भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। अगर हम इस बारे में जानते तो हम शायद कुछ कर पाते। सही कह रहे हैं आप। काश खुशी ने अपनी तकलीफ हमारे साथ बांटी होती। हमें तो यही लगता था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, दोनों के बीच में प्यार के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा लगता था जैसे जैसे दोनों के बीच में सब 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 कुछ ठीक ही होगा। लेकिन ये विजय पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर का चार्ज लगा है। वो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। विजय एक पढ़ा लिखा नौजवान था, लेकिन उसकी सोच और उसके रवैये को देखकर हैरानी होती है कि उसने कभी अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को, उसके करियर एंबिशन को समझने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि हर कदम पर उसकी आकांक्षाओं का गला घोटा। लेकिन उतनी हैरानी खुशी की अप्रोच को भी देखकर होती है। वो आगे पढ़ना चाहती थी, MBA करके जॉब करना चाहती थी, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। वो जानने लगी थी कि विजय उसे आगे पढ़ने नहीं देगा। बेहतर होता कि रोजमर्रा के झगड़ों और मारपीट की बजाय अगर खुशी वक्त रहते विजय से अलग होकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देती। वो चाहती तो अपने माँ बाप से या फिर विजय के माँ बाप से बात कर सकती थी। जिस घुटन में वो जी रही थी शायद उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता निकल आता। शादीशुदा जिंदगी के मसले जुबान से, बातचीत से हल होते हैं, लेकिन अगर कोई हिंसा का सहारा लेकर अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है तो वो शादी एक सजा बन जाती है। इंसान को अपने क्रोध, अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना चाहिए, अपनी इस कमजोरी को दूर करने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स अपने रवैये से बाज नहीं आता है तो जरूरी है कि उस बर्ताव को सहन करने वाला शख्स वक्त रहते उस रिश्ते से बाहर निकल आए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी कल रात 11 बजे क्राइम पेट्रोल 17 के एक और चौंका देने वाले केस में। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।